गलत। रुबीना और पारस का ये गीत जो है कल 11 बजे लॉन्च हुआ था और इस गीत को लॉन्च हुए 24 घंटे हो चुके हैं। कितने हैं व्यूज और किस नंबर पर ये ट्रेंड कर रहा है, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। पारस और रुबीना के इस गीत के प्रमोशन की मैं अगर मैं बात करूँ तो इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया, फैंस को इन्वॉल्व किया गया, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी और जिस तरीके से कल गाना लॉन्च हुआ उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला है वो कमाल का है। गाना लॉन्च होते ही लगभग 5 घंटे के बाद ये नंबर 1 पर ट्रेंड होने लग गया था और अब 24 घंटे हुए हैं ये अभी भी नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है। रुबीना, पारस, असीस, हर किसी ने अपने फैंस को शुक्रिया कहा। जहां पारस ने एक वीडियो अपलोड किया वहीं रुबीना लाइव आई और उन्होंने रूबी हॉलिक्स को धन्यवाद कहा। उन्होंने ये भी अपील की कि आप हो सके उतनी ज़्यादा जो है रील्स बनाकर शेयर कीजिए। लेकिन ये गाना जो है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और मुझे लगता है कि ये कई गानों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वहीं रूबी हॉलिक्स जो है लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस गाने को भी मरजानिया के लेवल तक लेकर जाना है और हो सके तो मरजानिया को भी आगे बढ़ाना है और इस गीत को भी। तो एक बात तो तय है कि 24 घंटे के बाद भी ये गाना अगर नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इस गाने के लिए कामयाबी है। इस गाने को अभी तक जो है व्यूज़ की मैं बात करूं तो 8.6 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, 536K लाइक्स हैं और 76K कमेंट्स जो हैं इस गाने पर आए हैं। गाने के कमेंट्स की मैं बात करूं तो मैं पढ़ रही थी कुछ कमेंट्स, उससे एक बात तो साफ है कि लोगों को रुबीना के एक्सप्रेशंस, गाने का ओवरऑल जो पूरा फील है वो बहुत पसंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज शाम होते होते तक इसको आराम से 10 मिलियन व्यूज़ हो ही जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा।